नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 1275 द बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें 1275 सीटों में 822 पुरुष अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हुआ है, तो वही 450 महिला अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हुआ। इसके अलावा 3 ट्रांसजेंडर जो हैं उनका चयन हुआ है और 1275 सीटों पर रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 सालों के अंदर में ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई और इसका फाइनल रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये ऐसा परीक्षा रहा जिसमें कोई विवाद सामने नहीं आया और आयोग के द्वारा जो अपना कार्य प्रणाली अपनाया जाता है पारदर्शिता, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। ना क्वेश्चन पेपर दिए गए, ना आंसर की जारी किया गया, ना OMR का कार्बन कॉपी दिया गया और ना ही प्राप्तांक बताए गए। तो आपको बता दें कट ऑफ पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1275 छात्र चयनित हुए हैं जिनमें जनरल का कट ऑफ जो है पुरुष का 162.6 गया है। डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1995 है पुरुष के लिए। महिला के लिए जनरल में जो है 152.8 है और महिला का डेट ऑफ बर्थ जो है 20 जुलाई 2001 है। इसमें वही EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनका कट ऑफ पुरुष के लिए 158.2 और महिला के लिए 149.4। वही पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो कट ऑफ है पुरुष के लिए 160.4 और महिला के लिए 150। तो बता दे EWS से अधिक कट ऑफ पुरुषों में पिछड़ा वर्ग का गया है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि अनुसूचित जाति का 149.4 है पुरुष के लिए, महिला के लिए 123.4, अनुसूचित जाति के लिए 145, अनुसूचित जाति की महिला के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी कट ऑफ जो है वो EWS के बराबर गया है 158.2 और महिलाओं का 145 गया है। तो ये जो है कट ऑफ जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 3061 छात्र जो हैं वो विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित हुए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में 1275 दरोगा की बहाली के लिए पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया और BPSSC के द्वारा 1 साल के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। 1275 दरोगा की बहाली का जो कार्यक्रम था वो आयोग के द्वारा पूरा कर लिया गया, रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। जो भी छात्र चयनित हुए हैं दरोगा जैसे महत्वपूर्ण पद पर उनका आगे योगदान होगा, उनका फिजिकल हो चुका है लेकिन उनका मेडिकल जांच जो है अभी होना बाकी है, इसको लेकर भी सूचना दी गई है। दस्तावेजों को लेकर भी सूचना दी गई है कि अगर इनमें आप अनफिट या अयोग्य घोषित होते हैं तो आपकी उम्मीदवारी जा सकती है और आपको अब योगदान करना है। फिजिकल मेडिकल देने के बाद, दस्तावेजों का सत्यापन के बाद शुभकामनाएं हैं आपको। और जो छात्र चयनित नहीं हो पाए हैं उनको भी अपनी मेहनत को बरकरार रखना चाहिए। अभी उदासी होगा आपको, निराशा होगा, हतोत्साह आप होंगे लेकिन आपको तैयार रहना है। दरोगा पद के अभ्यर्थी जो हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं।